सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। आगामी चुनाव से पहले सूबे में विपक्ष के गठजोड़ को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी बूथ स्तर से लेकर लोकसभा चुनाव से पहले अपनी सियासी जमीन मजबूत करने में लग गई है। यूपी में सपा बसपा सहित अन्य क्षेत्रीय दलों में गठजोड़ के बाद बीजेपी अब कार तलाशने में लगी है। भाजपा लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने जमीनी स्तर पर अपने संगठन को मजबूत करने में लग गई है। भाजपा ने प्रदेश भर में बूथ कमेटियां बनाई है, जिससे सीधे तौर पर हर बूथ पर सीधे जुड़ने पर जोर दिया जा रहा है। वहीं गठबंधन के बाद अचानक भाजपा देश भर में हिंदुत्व की बिसात बिछाने के लिए अपनी ताकत लगा रही है, जिसके लिए अखाड़ा परिषद सहित देश भर के मठों, महंत और पुजारियों के आंकड़े भी जुटाने का काम शुरू कर दिया गया है। चुनावी तैयारी में लगी जिले में भाजपा की टीम अपनी जमीन बचाने के लिए पूरी ताकत लगाती हुई नजर आ रही है। भाजपा महानगर, गंगा पार, यमुना पार के इलाकों में कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद कर उनको जमीन मजबूत करने का मंत्र दिया जा रहा है। साथ ही हर बूथ पर जाति आंकड़े को देखते हुए पदाधिकारी नियुक्त किए जा रहे हैं, जिसके जरिए हर बूथ पर अधिकांश मतदाता वाली जाति को बूथ का नेतृत्व देने में लगी है। साथ ही हाल ही में बनाए गए प्रकोष्ठों में भी पार्टी अपने रूठे कार्यकर्ताओं को मनाकर चुनाव से पहले सब कुछ ठीक ठाक करने में लगी है। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।